हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह एकदम नहीं 9:30 हो रहा है। मम्मी स्कूल जा चुकी है और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और यहाँ बन रहा है उपमा। क्या उपमा बना रही हूँ मैं, तो ये देखिए सूजी को मैं फ्राई करके रख ली हूँ। तो बना रही हूँ ये हमारा नाश्ता है। और हस्बैंड तो उपमा खाएंगे नहीं, उनके लिए बनाऊंगी रोटी। तो वो भी नहाएंगे, नहा रहे हैं, पूजा करेंगे, तो उनको टाइम लगेगा। पहले हम मैं मम्मी नाश्ता कर लेते हैं और जैसे वो पूजा करके आएंगे तो उनके लिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी। सब्जी है पनीर की, एक्चुअली रात वाला सब्जी बच गया था तो उनके लिए भरी रात का ही सब्जी है ये। तो ये सब्जी के साथ रोटी खा लेंगे और हम लोग खा लेंगे उपमा। उनको पसंद ही नहीं है उपमा खाना। चलिए पहले बना लेते हैं। और पनीर की सब्जी भी मैं नहीं, सामने सोना ने वो बनाए थे, नहीं दिए थे तो हम लोग कल खाए नहीं थे। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वैसे आज बहुत काम है, लंच भी बनाना है, फिर कपड़े आयरन करने हैं, पैकिंग करनी है, मुन्नी को स्कूल से लेकर आएंगे, बहुत कुछ करना है। तो आप में बने रहिए, क्या क्या करते हैं सभी आपको दिखाएंगे। तो पहले बना लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। हम आ गए गार्डन में, मम्मी यहाँ पे तोड़ रहे हैं कोहड़ा। कोहड़ा को आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो कोहड़ा ही बोलते हैं। कोहड़ा का पत्ता का चटनी बनाने के लिए बोले। और यहाँ ना गार्डन में कल चल रहा था ये जो वायर आप लोग देख रहे हैं ना इसका, और यहाँ पर आकर जो मैकेनिक्स थे वो लोग यहाँ पर सब पौधे तोड़ दिए। बल्कि थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था, मेरे हस्बैंड झगड़ा कर लिए थे कि क्यों तोड़ दिए। तो दिखाती हूँ, देखिए देखिए ये इसके ऊपर चढ़ गए थे, ये बेंड हो गया है, इसमें का एक कर दे, देखिए यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये तोड़ दिए, दो तोड़ दिए, देखिए कि यहाँ एक वो। तो हस्बैंड बहुत झगड़ा, मतलब गुस्सा करने लगे थे, झगड़ा नहीं मतलब गुस्सा कर रहे थे। और ये सब कुछ अब ख़राब हो गया है, मे बी हम लोग आने तक मम्मी ये सब साफ़ कर देंगे। कहाँ है कोहड़ा? ये है, ये ना बड़ा वाला। हाँ, इसका चटनी नहीं, क्या डाल के? लहसुन, इसी का बनाएंगे चटनी। कोहड़ा का जो फूल होता है ना उसका पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट इसमें एक भी फूल नहीं आया है, अब तो खराब ही हो गया। तो अब तो बाकी हाँ, इसका फूल का ना बचका मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो छोटा छोटा है लेकिन फूल आया नहीं है ना इसमें। इसका बनाएंगे हम चटनी, कैसा बनेगा पता नहीं। देखिए ये है पत्ता, इसी का बनाएंगे हम चटनी। ये इस तरह से इसका पूरा निकाल दिए है, इस तरह से देखिए तोड़ लिया इसका जूस ऐसा, ये है ना ये वेस्ट, इसको फेंक देंगे, इसको उबालेंगे। तो अब इसको धोएंगे, धोकर इसको उबालेंगे। उबालने के बाद इसके अंदर लहसुन मिर्च कैसा बनता है वो आ गया तो बताऊंगी। चलो इसको पहले धोते हैं। ये देखिए इस मिर्ची को इसको भून दिए, और इसको बॉईल नहीं करना है, इसको ना मम्मी में बर्तन धो रही उसके पहले डाल दिए। ना ये पानी डालल है वो हाँ, तो पानी के साथ डाले हैं। तो देखिए मम्मी पूरा डिटेल में बताते भी नहीं है हमको। तो हल्का पानी डालकर इसको पहले उबाल ही रहे हैं। अरे यार मुझे कंफ्यूज कर दे रहे, मम्मी कभी बोलते हैं उबालेंगे, कभी बोलते हैं फ्राई करते हैं। तो ये देखिए पानी डाल दिए हैं, पानी डालकर इसको पूरा पानी को ये सुखाने तक इसको शायद ऐसे ही बॉइल कर लेंगे। इसके बाद जब एकदम सूख जाएगा ना उसके बाद इसको पीसेंगे लहसुन और ये मिर्च डालकर, बस बहुत इजी है। हाँ पूरा पानी सूख चुका है, अभी इसको पीसेंगे। ये पिसाएगा, और इसमें क्या है कूट कर रखे हैं देखिए, इसमें मिर्ची है और लहसुन। तो चलिए और ऊपर से तेल और नमक देंगे है ना। तो चलिए पहले इसी को पीसते हैं, उसके बाद ये जो हम
कूट कर रखे है ना मिर्ची और लहसुन, तो वो मिक्स कर में सब मिला के पीस रही है, इसमें मिलाकर ये भी इसी में पिसाएगा। तो पहले जार के अंदर ठंडा होने देते हैं ना, गरम गरम नहीं पिसे। तो चलिए हम जब तक चावल चढ़ा देते हैं, ओके इसको बंद करते हैं। फ्रेंड्स ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम पीस लेंगे ये कूटा हुआ जो लहसुन और मिर्च है उसके साथ। ऊपर से इसमें तेल और नमक मिक्स करके तब बताते हैं फाइनल, और टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए ये डाल दिए, इसको हम पीसते हैं। पानी भी ज़रूरत पड़ेगा तो डालूंगी, नहीं तो नहीं। चलिए ठंडा हो गया, इसको पीस लेते हैं। मेरे यहाँ पे देखिए ये कट करके रख रही हूँ मैं, क्योंकि इसके अभी मैं बनाऊँगी सब्जी। ये छिल रही हूँ अभी, इसको छिलना है तो पहले पीस लेते हैं। तो ये देखिए ऐसा रूखा रूखा है, पूरा पिसा नहीं रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। थोड़ा सा डालो तो हल्का, नहीं 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 बस बस थोड़ा सा, दो से तीन चम्मच बस। ये मेहंदी जैसा लग रहा है, और ऐसे भी हल्दी धनिया का चटनी भी तो ऐसे ही लगता है। तो चलिए इसमें हम अब ऐड करते हैं नमक, हम तो सेंधा नमक ही खाते हैं। तो ये देखिए नमक है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा सरसों तेल ना बस। देखिए चम्मच में मैं दिखाती हूँ कितना डाल रही हूँ, बस इतना सा। अभी सबको मिक्स कर लेते हैं। बस हमारा यहाँ पे क्या है, ये कोहड़ा का पत्ते की चटनी बनकर रेडी। पहले इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो चटनी देखिए बनकर रेडी हो गया, पता नहीं टेस्ट कैसा है। और ये मम्मी की रेसिपी है, मम्मी बना है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इसका चटनी। चाट के देखा इन्होंने जना है, चाट के देखते हैं। खूब बढ़िया बोले, खूब खाना बना बना के देख के। हाँ, और आज ना हम मम्मी को अकेले छोड़कर जा रहे, मम्मी रहेंगे घर पर। डर नहीं लगेगा ना? अरे डर लगते, घर में डर है, बाहर के डर है। मोरल तो घर ही आवे, घर के मोरल कहाँ जीते। चलिए अब मैं जा रही हूँ ये ड्रमस्टिक के सब्जी चावल बना। हाँ ये पट्टी सब्जी बना हुआ, चावल बनेगा अभी। मुन्नी का भी आने का एक घंटा टाइम है, जब तक बन जाएगा फिर उसको जाएंगे लाने भी। चल रहा पता नहीं, काम सब खत्म ही नहीं हो रहा है, पैकिंग भी करनी है। चलो पहले बना लेते हैं। फ्रेंड्स वहाँ पे खाना बन रहा है, सब्जी पानी डाल, सब्जी में पानी डाल कर आ गई, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आयरन। तो एक ही साथ दो दो काम, मेरे कपड़े आयरन भी कर ली हूँ, और अभी सिर्फ हस्बैंड के हैं। मुन्नी का होगा एक दो टी शर्ट्स, क्योंकि वो टी शर्ट तो पहनती है और कुछ तो पहनती ही नहीं है, पता नहीं दिल्ली में। ऐसे तो मेरी बहन वहाँ रहते हैं, उनको पूछो तो बोल रहे हैं कि मौसम ना ठंडा है ना गर्मी, बट बारिश हो रही है। तो यहाँ का जैसा क्लाइमेट है वैसा ही है, बट फिर भी मुन्नी के लिए मैं स्वेटर रख लूँगी, और हम लोग के लिए तो ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले आयरन कर लेते हैं, बस उनका भी हो गया टी शर्ट पैंट कर दूँ एक शर्ट, और मुन्नी का एक दो टी शर्ट आयरन करती हूँ। उसके बाद मुन्नी के पापा गए हैं मुन्नी को लाने के लिए, और दो मिनट का भी रास्ता नहीं है, बट मुन्नी की फरमाइश थी कि वो स्कूटी से ही आएगी। उनके पापा स्कूटी लेके गए, और मैम को भी बोल के लाएंगे कि कल से नहीं आएगी 10 दिन। वैसे मैं लीव लेटर दी थी, बट फिर भी एक बार बोलने से अच्छा रहता है, तो इन्फॉर्म कर देंगे आज। तो चलिए आयरन कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आयरन कर रही हूँ। देखिए मुन्नी क्या कर रही है, मुन्नी को स्कूल से आने के। क्यों नहीं वो? अच्छा मुन्नी सोई हुई है, अच्छा ठीक है। हाँ सो जाओ, टांग बंद करके ना सोते, नौ टंकी बाजे। इसको स्कूल से आने के बाद इसको सर से निला दियो, क्योंकि खाना खा के बूढ़ी सो जा। तो इसको मैं सर से नहला दी हूँ स्कूल से आने के बाद। सुबह में बस ऐसे ही नहा कर गई थी, और ट्रेन में जाना है, वहाँ पे फिर पता नहीं पानी कैसा होगा, तो मुझे बाल झड़ने का डर रखता है, तो इसको मैं नहला के लेके जा रही हूँ अभी, है ना, है ना। और देखिए यही दी है मम्मी ड्रेस, बाकी टी शर्ट और पैंट बाकी तो मैं पैक करके रख ली हूँ। वो खड़ा होगा तो देखिए यही दी है मम्मी दिए हैं। हाँ और पैकिंग भी हो चुका है, चलो आ जाओ बाल झाड़ लो, आ जाओ। हाँ अच्छा है, आ जाओ टूट जाएगा उस पर।
वो पाउडर गिरा है ना। आ जा, चलो आ जा। फ्रेंड्स उसको मैं रेडी कर देती हूँ, और भी नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। वीडियो एंड करने से पहले एक और बात बता देती हूँ फ्रेंड्स, चटनी जो बना था वो मैं आज फर्स्ट टाइम खाई, बट बहुत अच्छा लगा। मैं सोची पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा लगा, अच्छा बना है और अच्छा टेस्ट भी लगा। और मुनि यहाँ पे बाल झाड़ लिए, अभी लकड़ा दिख रही हूँ, लकड़ा दिख रही हूँ, लड़का दिख रही हूँ, तो अभी पूरा बाल गीला है, लकड़ी दिख रही मुनि। अच्छा मुनि लकड़ी है। बाय, टेक केयर, आप लोग भी ट्राई करिएगा, चटनी बहुत वाकई बहुत अच्छा था। बाय बाय, ठीक है, बाद में मिलेंगे।